सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग महिला पर्यवेक्षक 2021-22 का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था महिला एवं बाल विकास से संबंधित 20 क्वेश्चन और उसके आंसर। इसमें हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, साथ ही उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो इस वीडियो में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप जनरली देखेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सरल है। इसमें देखिए, ए के बाद कुछ साइन दिया है और ये साइन क्या है, ए बड़ा नहीं है। हम ग्रेटर देन का साइन कुछ इस प्रकार करते हैं, तो ये बड़ा नहीं है बोल रहा है, यहाँ से कट कर दिया, बड़ा नहीं है। ए क्या है, बड़ा नहीं है। बी क्या है, बड़ा है। सी क्या है, बराबर नहीं है। डी क्या है, बराबर है। ई क्या है, छोटा नहीं है। ई क्या है, छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, ध्यान रखिएगा। और एफ क्या है, तो वो छोटा है। ये क्या है, पूरी तरीके से साइन है। ए का साइन ये है, बी का साइन ये है, सी का साइन ये है। तो यहीं पर देखिए अभिव्यक्ति दिया गया है ए ई बी। ई क्या है, यहाँ पर ई जो देखिए साइन क्या है यहाँ पे, कि ये छोटा नहीं है, मतलब क्या है, बड़ा है। ए जो है बड़ा है बी से, या फिर ए जो है छोटा नहीं है बी से। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, ए बड़ा है बी से। फिर देखिए, बी जो है बड़ा है सी से, या फिर बी जो है सी से छोटा नहीं है। तो हम इसको मान लेते हैं बी जो है वो बड़ा है किससे, सी से। ये सी है, इससे बड़ा है। तो बी सी से बड़ा है और ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ए जो है किससे बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट सी से बड़े हो जाएगा, क्योंकि वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो ए सी से बड़ा है, तो इसी को हम ए ई सी लिख सकते हैं, इसी को हम ए ई सी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ साइन के अनुसार आपको बताना है। जैसे कि देखिए, ए के बाद एफ है और सी है, तो एफ क्या बोल रहा है, छोटा है। तो ए छोटा है सी से, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, बड़ा है, जो एक्सप्रेशन दिया है उस हिसाब से। फिर देखिए सी वाले में, बी का मतलब क्या है, बड़ा है, तो सी बड़ा है ए से, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, ए बड़ा है सी से। और उसी प्रकार देखिए, सी बड़ा है बी से, बड़ा शब्द कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से साइन, ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए, इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। संकेतों और संख्याओं में चार में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा। अब इसको भी समझिएगा। अब इसमें 4 × 6 − 2 = 14 है, तो 14 लाना है हमें इसे चेंज करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। देखिए कैसे सही आंसर होता है, माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस कर लिया है। अब बोला है 2 और 6 को आपस में बदल देना है। यहाँ पर 6 है, वहां पर 2 ले आना है, और यहाँ पर 2 है, वहां पर 6 ले आना है। तो 4 × 2 हो जाएगा 6 के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 की जगह में क्या आ गया है, 6 आ गया है, तो प्लस क्या हो गया, 6, तो 8 × 6 = 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही आंसर है। माइनस की जगह हम लोग प्लस लिए थे यहाँ से, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बदले हम 2 को 6 में 6 को 2 में। चलिए, समझ में आया होगा आपको। नहीं आता है अगर समझ में, तो थोड़ा सा पॉज करिए, खुद से समझिए, या फिर वीडियो को पीछे करके जरूर देखिए। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है उसे समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए, अनफोल्डेड बॉक्स दिया गया है, जो खुला हुआ बॉक्स है इसे हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, इन चारों में से। तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे।
देखिए सी को हम टॉप पे ले लेते हैं, सी क्या है यहाँ पे टॉप पे है, तो डी क्या हो जाएगा फ्रंट पे आ जाएगा। ये सी जो है टॉप पे जाएगा तो डी क्या आएगा फ्रंट में आएगा, तो डी यहाँ पर फ्रंट में रहेगा ये वाला और सी टॉप पे रहेगा, समझिएगा इसको। अब डी के बाजू में ई है, तो डी यहाँ पे है सामने फेस में, तो ई क्या होगा इस तरफ के फेस में, डी यहाँ है तो ई क्या हुआ इस तरफ के फेस में। उसके बाद एफ है, तो एफ कहाँ चले जाएगा पीछे चले जाएगा, तो पीछे वाले फेस में क्या रहेगा एफ रहेगा, एफ पीछे वाले फेस में, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार सी क्या था टॉप पे था, तो ये अब झुक जाएगा टॉप पे रहेगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, देखिए सी के बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, और ए यहाँ पे है तो ए क्या है नीचे साइड चले जाएगा, नीचे के फेस में कौन आ जाएगा ए आ जाएगा, नीचे में यहाँ पर ए आ गया। अब देखिए सी और बी, सी और बी क्या है साथ में है, देखिए सी और बी साथ में है, सी बी है और सी के बाजू में क्या है इधर डी है, सामने वाले फेस में डी है, तो ये तो सही है, हमें गलत बताना है। फिर देखिए ई है यहाँ पे, इस वाले फेस पे ई है, उसके बाजू में ए, तो नीचे साइड ए है उसके बाजू में, और इस साइड डी है, तो ये भी क्या है सही है। अब देखिए बी ऊपर है, मतलब यहाँ पे बी है, उसके बाजू में सी, तो बी के बाजू में यहाँ पे सी है ठीक है, और लेकिन बी के बगल में ई बोल रहा है, तो बी तो यहाँ पे है तो ई तो यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच काफी दूरी है, समझिएगा इन दोनों के बीच में काफी दूरी है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है गलत है, ये नहीं बन सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया, आपको सिर्फ इसी को फोल्ड करना है और एक बॉक्स के शेप में बनाना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में फिर से। अब देखिए दिए गए आकृति में घनों की संख्या की गणना करिए, दिखने में बहुत बड़ा है क्वेश्चन कि ये घन कैसे हम काउंट करेंगे, लेकिन काफी सरल है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसे काउंट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम क्या काउंट कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है यहाँ पे फ्रंट पे है आपका घन, तो 7 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए नीचे साइड से पता चल रहा है या फिर बगल से, कितना है 1 2 3, तो 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 इस साइड है। अब ऊपर साइड कितना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। अब ये ना बोलना कि दोबारा क्यों गिने इसे, क्योंकि इधर भी हमने गिना है और ऊपर भी हमने गिना है, तो हम यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख लिए, यहाँ पे आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये टोटल कितना हो जाता है घन, 84 घन। अगर ये गेप नहीं होता तो कितना होता है यहाँ पे, 84 घन होता, चूंकि गेप है, चूंकि क्या है अभी यहाँ पे गेप है, तो गेप को देख लेते हैं कितना गेप है, तो 3 खंड गेप है, 1 2 और 1 3 खंड, और ऊपर कितना गेप है, तो ऊपर भी 3 खंड गेप है, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 9 यहाँ पर गेप है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी गेप है बीच में, कितना गेप है 1 2 3, तो ये 1 2 3 है, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा और ये 3 आ गया, तो 9 और 3 कितना हुआ 12, ये दोनों कितना हो गया 12, टोटल होता 84, लेकिन 12 क्या है गेप है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72, 84 में से 12 को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 72 आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा समय देना है आपको समझने के लिए, बस इस बात को याद रखिए। कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा, अब 4 के विपरीत फलक में देखिए 3 हमको यहां भी दिख रहा है, 3 हमको यहां भी दिख रहा है, जब 3 यहां है तो इसके अगल बगल में 6 और 5 है, दो संख्या तो दिख गया, और 3 के एक और बगल बगल में 1 और 2 है, तो बच क्या गया, तो वो है अपोजिट साइड में 4, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। 4 क्या है इसके अपोजिट है, इसी के कारण ये क्या है दो फलक में नहीं दिख रहा अगल बगल में, क्योंकि टोटल यहाँ पे 6 अंक है और 6 अंक में से आपको दिख रहा है 3 दो बार दिख गया और जो बाकी संख्या है एक बार दिखा है, तो टोटल 5 अंक तो दिख ही गए हैं, 4 बस नहीं दिखा है और 4 जो है वो अपोजिट साइड है। आप इसको आसानी से देखकर ही सॉल्व हो जाएगा आपका, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 1 2 उसके अगल बगल में और 5 6 भी उसके अगल बगल में है, तो अपोजिट में क्या बचता है 4 ही बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली, तो ओमिक्रॉन आया था उस समय कोरोना वायरस का एक अपडेटेड वर्जन, तो
तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पता चला था। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया था? तो नीति आयोग ने जारी किया था। तो नीति आयोग ने जारी किया था बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो सेवा क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो अधिकतम है। टैथिस सागर के स्थान पर बना है, तो टैथिस सागर के स्थान पर क्या बना है? हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी क्या करती है? ज्वारनाद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, विलुप्त पद को दिए गए विकल्प से में चुनिए। ये भी आपको समझना होगा कैसे सॉल्व हुआ। देखिए M N O P तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। सिंपल है, देखिए M N O P तो ये Q आएगा, तो हमें कंफर्म हो गया तीनों में से एक यहाँ पे आंसर है। अब देखिए यहाँ पे H H इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, H है, एच के बाद क्या है? आई है, तो यहाँ पर कितना अंक गेप हो रहा है, कितना देखिए अल्फाबेट का, तो 0। अब आई के बाद जे फिर के आता, लेकिन यहाँ पर एक गेप है, जे नहीं है यहाँ पे। फिर के बाद क्या आता है आपका? एल एम, तो यहाँ पर 2 गेप हो गया, एल एम नहीं है, एन है आ गया है, तो एन के बाद क्या आना चाहिए? तो एन के बाद आता है आपका ओ पी क्यू, 3 गेप हो गए यहाँ पे, तब जाकर यहाँ पर आर आएगा। तो हमें पता चल गया Q और R तो रहेगा, तो ये 2 कन्फर्म हो गया। अब देखिए Z, Z से हम थोड़ा सा माइनस करते तो W आता है, फिर माइनस कर रहे हैं तो T आ रहा है, फिर माइनस कर रहे हैं तो आपका Q आ रहा है। तो Z जो है उससे पहले क्या आता है? Y, उससे पहले X, फिर W। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? गेप आ रहा है थोड़ा सा, तो W आ गया यहाँ पे, W पहले, U और V, तो ये भी यहाँ पर देखिए T आ गया यहाँ पे 2 गेप के बाद। तो टी के पहले क्या आता है आपका? एस और आर, उसके बाद दो, सब में क्या है? दो दो का गेप है, याद रखिएगा दो दो का गेप है, उल्टा जा रहा है लेकिन दो दो का गेप है। तो क्यू के बाद यहाँ पर देखिए, तो ओ पी के बाद क्यू आता है, तो ओ पी नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो क्यू आर एन जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गेप को देखना है, यहाँ पे कोई गेप नहीं है, सीधा सीधा है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 करके गेप है, यहाँ पर दो दो का गेप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिए गए कौन सा आकृति मनुष्य शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो देखिए जिसने स्नातक किया है वो तो मनुष्य होगा, और जो शिक्षक है वो भी मनुष्य होगा। सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, तो मनुष्य तो वो दोनों होगा, तो ये जो है आपका मनुष्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये जो गोला है बड़ा वो आपका हो गया मनुष्य, और ये शिक्षक और स्नातक, तो वो जो मनुष्य है वो शिक्षक भी हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है, या फिर वो दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षक और स्नातक, या तो वो अलग अलग है या फिर वो दोनों है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह ये मिक्स हो रहा, बाकी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य अलग नहीं है, एक ही है, और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता और ना ही ये हो सकता, क्योंकि हम अलग अलग नहीं रख सकते। अलग अलग रखेंगे तो वो दोनों भी हो सकता है ना, तो इस कारण इसे अलग अलग नहीं रख सकते हम, इसको यहाँ पर थोड़ा सा उसको मिला देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दिए गए आकृति में वृत्त रोजगार व्यक्ति को, त्रिभुज युवा व्यक्ति को, तथा वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, तो कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बना लेते होंगे इसको। युवा बोला है, शिक्षित बोला है, और बेरोजगार भी बोला है, तो वृत्त क्या है? रोजगार है, तो वृत्त वाला संख्या तो पूरा हट गया, क्योंकि वृत्त क्या है यहाँ पे? रोजगार है, तो जितने भी संख्या वृत्त के अंदर आएंगे वो तो पूरा हट गया, ये सभी हट गए, बचा क्या? 1, 2, 3। ठीक है, बेरोजगार दिया इसमें, शिक्षित बोला है, तो अशिक्षित वाला क्या है? वर्ग है, तो वर्ग के अंदर वाले संख्या भी हट गए।
ये वाले भी हट गए। तो बचा क्या, तीन ही तो बचा आपके पास, तो युवा भी है और युवा इसमें बोला है त्रिभुज युवा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन क्या आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए चित्र में जो चित्र दिया है उसके अनुसार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे चित्र को हम सॉल्व करते हैं, आयात शासकीय कर्मचारी को दर्शाता है, तो ये जो आयात बना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दर्शाता है, जी ई लिख दिए हमने यहाँ पे समझने के लिए। त्रिभुज शहरी व्यक्ति को दर्शाता है, ये जो त्रिभुज बना है वो क्या है, शहरी व्यक्ति को दर्शाता है, तो हमने शहरी के लिए एस लिख दिया है। वृत्त स्नातक को दर्शाता है, तो वृत्त जो है ये ग्रेजुएट लोगों को दर्शाता है, स्नातक मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट हो गया। और वर्ग जो है वो क्लर्क को दर्शाता है, तो ये वर्ग जो है वो क्लर्क को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में कैसे बोला गया है उसी को समझने हमने देखे, सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है, जितने भी शहरी व्यक्ति है एस जो है वो स्नातक है बोल रहा है, क्या है क्या नहीं। देखिए तीन जो है शहरी है लेकिन वो स्नातक है क्या, गोले के अंदर आ रहा है वृत्त के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ क्लर्क शासकीय कर्मचारी है परंतु शहरी नहीं है, क्लर्क है शासकीय कर्मचारी का कहाँ पे है हम, ये वाला शहरी। तो देखिए कुछ क्लर्क क्या है, शासकीय कर्मचारी है, ठीक है ये तो सही हो गया, लेकिन इसने बोला परंतु शहरी नहीं है, शहरी तो सभी है यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर आ गया मतलब वो शहरी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। त्रिभुज क्या है, शहरी वाला सेक्शन है और इसके अंदर वृत्त आ गया है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क है, सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क नहीं है, यहाँ पे देखिए एक जो है वो अलग है, दो भी अलग है और पांच भी अलग है, ये इतना ही यहाँ पे क्लर्क है, सात और छह जो है क्लर्क और शासकीय कर्मचारी है। फिर देखिए कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, शहरी व्यक्ति कौन है, त्रिभुज के जितने अंदर है वो है, स्नातक नहीं है बोला है, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, तीन जो है शहरी व्यक्ति है लेकिन वो स्नातक नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं समझ आए तो आप फिर से देखिए वीडियो को, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, PAN पेन बराबर 12 तो बॉय के किस अंक के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है, चूंकि सीजी व्यापम ने आंसर लिया है ऑप्शन नंबर सी 28, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया है 28, अगर ये आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज आंसर जो है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आ रहा, तो इसको आप देखिएगा अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है कुटुमसर की गुफा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा से किया जाता है, एकदम सही बात है, कृत्रिम उपग्रह का जो है प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा से किया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तो घूमती तो है लेकिन क्या है पलायन वेग जो है इस पर निर्भर नहीं करता, पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, वो आपके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा है, उस सीमा से अधिक जब स्पीड होती है तो पलायन वेग होता है जो कि आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वो है आपका पलायन वेग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, कथन एक सत्य है परंतु आर जो है आपका कारण जो है वो असत्य है। आगे देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, निम्न पर विचार कीजिए, क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ भी उपयोग नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे, श्वसन में होता है, हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में जाता है, कार्बनिक पदार्थ का क्षय जब होता है तो भी वहां पे कार्बन उपस्थित होता है, ज्वालामुखी विस्फोट उसमें भी कार्बन होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी केवल एक जो है वो आपका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं हम लोग,
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, सूची वन को सूची दो से सुमलित कीजिए, निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा यौगिक और अनुप्रयोग के आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें आपको देखिए ए का पहला यहाँ पर ब्यूटाडाइन जो है वो रबड़ उद्योग में यूज होता है। BTX की बात करें मिश्रण की तो पेट्रोलियम उद्योग के लिए हो जाएगा। फास्फोरस की बात करें तो माचिस उद्योग में काम आता है। एनिलीन की बात करें तो ये आपका रंजक उद्योग के लिए हो जाता है। और कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये आपके कांच उद्योग के लिए। तो आप इसे मैच कर सकते हैं और इसे आप आंसर को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो धीरे धीरे काफी लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन और कुछ आपके जीके के क्वेश्चन उसको भी कवर कर लेंगे। और आप महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि लगातार हम अब इसमें वीडियो बनाएंगे। पहले जो वीडियो बन चुका है ऑलरेडी आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।